मैंने हमारे स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया, दिस इज पनीर के पराठे, आई गेस दिस इज स्टफ्ड पराठे, आई एम नॉट श्योर, हाँ पनीर और स्टफिंग है और इसमें प्याज भी है एंड दिस इज कॉफ़ी। मुझे बहुत भूख लगी है, व्हेन वी गॉट द बटर्स आल्सो, हमने ड्रोन भी फ्लाई कर लिया आज सुबह, मगर रमन ने मिस कर दिया। तुम्हें किस चीज़ का मजा आया रमन, जब ड्रोन नीचे आ रहा तब तुम वापस आए हो। और मैं आज पार्वती वैली को भी शूट करूंगी एंड ऑब्वियसली आज इस व्लॉग में आपको पता है आप इस प्रॉपर्टी को अच्छे से देखने वाले हो। सो गाइस मेरे सामने है ये स्विस फाइव टेंट्स और ये एक्चुअली बहुत स्मार्ट बने हुए हैं। अगर मैं इनके अंदर एंटर करूं, 3 2 1 ओपन, थोड़ा ये टाइट है इनका। इसके अंदर ये प्रॉपर इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है, सो अगर आपको रात को ठंड लगती है तो दे हैव दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी और इवन बेड बहुत कोजी है ये, ट्रस्ट मी। प्लस इलेक्ट्रिक स्विच आप वहाँ चार्ज कर सकते हो जिसमें आपके अराउंड 1 2 3 4 5 डिवाइसेस लग सकते हैं। और उसके अलावा अंदर इंटरकॉम है अगर आपको कुछ रूम में फैसिलिटी चाहिए, एक बार अंदर की लाइट्स ऑन कर दो प्लीज़। और ऊपर से हमारे सामने एक बहुत बड़ा मिरर है, केटल है, प्लस हमारे पास जो बेसिक यूटिलिटीज़ होती चाहिए होती है एक रूम में वो सब अवेलेबल है यहाँ पे। वाटर बॉटल है ऑब्वियसली, तो आ गया। ऑल राइट, सो दिस इज़ वॉशरूम एंड आई गेस दिस इज़ इनफ स्पेस फॉर द वॉशरूम विद 24/7 अवेलेबिलिटी ऑफ हॉट वाटर। हाँ एग्जैक्टली, और इवन शॉवर जेल शैम्पू अवेलेबल है, प्लस आपका हैंड वॉश का सॉप अलग है, सॉप अलग है, मुझे क्या हो गया लड़ा। एंड साथ में ड्रायर भी है। ड्रायर आई गेस पता है हर रूम में, इफ यू हैव सीन, तो हमारे डोमेट्रीज के अंदर ड्रायर है। हम आपको डोमेट्रीज भी दिखाएंगे इस ब्लॉग में। सो रेट के लिए यू नो यू कैन एक्चुअली कम बैक टू देम एंड देयर वेबसाइट, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। और बाहर निकलते आपको नज़ारा कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, खूबसूरत है ना, कमेंट करके बताओ। मूविंग अप टू नेक्स्ट, दिस इज़ द लोन एरिया। अगर आप मैरिज या कोई बड़ा फंक्शन यू नो वो सेट करना चाहते हैं या फिर कुछ आपके यहाँ दिमाग में है कि हाँ आपने कुछ गेट टुगेदर पार्टी करनी है, सो दे हैव अ बिग ह्यूज स्पेस टू कवर अप दी यू नो ह्यूज क्राउड आराम से 300-400 लोगों का, आई होप सो, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। सो मेरे सामने पूरा डीजे है जो इनका न्यू सेटअप हुआ है एंड सिटिंग एरिया भी बहुत अवेलेबल है, अगर आप देखो तो हर जगह सिटिंग फैसिलिटी है। सी उनका डॉगी सिंपा है एक्चुअली वो। सो इवन अगर आपको एक छोटा सा भी गेट टुगेदर होता है ना, लाइक छोटा बर्थडे फंक्शन या फिर एनिवर्सरी, सो दे प्लान दिस सेटअप अकॉर्डिंगली और डेकोरेशन भी उसके अकॉर्डिंग होता है। अभी यहाँ पे रिसेंटली जो है वो न्यू ईयर सेलिब्रेट हुआ है, इसलिए जो ये थीम है ये क्रिसमस और न्यू ईयर पे इन्होंने लगाया था, जैसे कहते हैं हम सेल्फी मोड, अगर आप सेल्फी लेना चाहें तो। आगे चलते हैं, और इवन ये प्रॉपर्टी रात को बहुत खूबसूरत दिखती है, तो आई डेफिनेटली शो यू अ ड्रोन शॉट एट द नाइट ऑल्सो। ये सामने डीजे है एंड यहाँ पे लाइव बैंड्स भी आते हैं, लाइव म्यूजिक चलता है जब कोई बड़ा फंक्शन हो या बड़ा इवेंट होता है। सो दिस इज़ सेटअप रिसेंटली एंड दिस लुक्स अमेजिंग। अगर मैं लाइटिंग की बात करूँ रात नाइट में तो दिस लुक्स एक्चुअली गुड। सो मेरे सामने 8 कॉटेज हैं, पहले हम कॉटेज के अंदर चलते हैं और देखते हैं हम कॉटेज कैसा है। सो दिस इज हट जिसके अंदर मैं अभी खड़ी हूँ एंड इसका वॉशरूम है। तुम कहो मैं वॉशरूम से इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि लोग बेसिकली वॉशरूम ज़्यादा देखते हैं कि वॉशरूम ह्यूज होना चाहिए, और अगर आप चेक करोगे तो इन्होंने ये बहुत प्यारा लगाया है, मतलब आई लव दिस। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं हम वॉश बेसन। वॉश बेसन, वही तो बोला है। वॉश बेसन, आई एम जस्ट किडिंग। सो अगेन वी हैव द हेयर ड्रायर एंड बाकी सब कुछ है जो दूसरे रूम्स में है जो मैंने दिखाया था पहले, पर यहाँ की लाइट्स नहीं, पर मुझे लाइट्स पहले पसंद है, मैं लाइट्स सिखाऊंगी। मुझे यहाँ की लाइट्स बहुत अच्छी लगती है, लाइट्स आजकल हर जगह है, बट ये वाला जो थोड़ा सा है थीम बेस्ड वो अलग है। आई नो दिस इज समथिंग डिफरेंट, क्योंकि दिस इज समथिंग डिफरेंट एंड मार्बल्स इन इनके मार्बल्स बहुत पुराने रूम के अंदर, ट्रस्ट मी, एंड बहुत अच्छे मार्बल्स हैं। Really? So you know, this is again कि अगर आपको ठंड लगती है तो अगेन ये जो पूरा सेटअप है ये हीट इसी के अंदर, क्या कहते हैं इसको, रजाई के अंदर हीटर है, रजाई के अंदर हीटर है, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट कहते हैं, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है एंड अगेन 3 सॉकेट्स अवेलेबल है अगर आप बैठ के चार्जिंग करना चाहें, प्लस द बेसिक फैसिलिटीज आर ऑल्सो देयर। सो वैसे नीचे जाने का इतना ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बैकअप भी है, दे हैव द ह्यूज जनरेटर विद देम, प्लस नीचे भी अगर आप कहूँ तो स्विस टेंट है विद टॉयलेट एंड वॉश, मतलब जो कहते हैं ना वॉशरूम फैसिलिटीज़,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी स्विमिंग पूल आ जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम अगर मैं प्रॉपर्टी कवर करने आऊँगी या फिर शिवानी की प्रॉपर्टी में वापस आऊँगी तो होपफुली मैं स्विमिंग करते हुए वीडियो बना रही होंगी। एंड देर इज़ वन मोर ओवर हेयर अगेन विद ऑल द फैसिलिटीज़। तुम्हारी चैटिंग हो गई तुम्हारी गर्लफ्रेंड से, आगे चले। सो कहते हैं कि यू नो ये जो 5 सामने टेंट हैं स्विस, ये भी नीचे शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पर डुप्लेक्स बनेंगे। सो सून सुपर सून ये प्रॉपर्टी में हम बहुत चेंज देखेंगे। मूविंग अप टू द नेक्स्ट एरिया जो इनका सबसे सस्पिशियस, मतलब बहुत प्यारा रूम है। सस्पिशियस नहीं कहते हम उसको, हम क्या कहते हैं, स्पेशल नहीं, मैं वर्ड मिस कर रही हूँ। अगर आपको पता तो कमेंट करके बताओ। जो सबसे इनका बेस्ट रूम है, सिंपल वर्ड्स, मूविंग अप टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नहीं, यू आर मिसिंग द वर्ड्स देन। तुम तो बिल्कुल आउट ऑफ द स्टेज हो गए, तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड से ही चैट कर लो। रमन ढिंगरा, बेस्ट कॉटेज। I totally love this guitar, by the way. This is the sitting area. अगर आप रात का डिनर जो लगता है यहाँ पे बुफे सिस्टम में लगता है। एंड बुफे सिस्टम में यहाँ पे एक मीठा होता है, दो सब्जियाँ होती हैं, बहुत सारी रोटियाँ होती हैं। I'll show you at the night time. Even this used to be ex reception area, but अब ये मैनेजर्स एरिया हो चुका है एंड रिसेप्शन एरिया हमारा सामने की तरफ शिफ्ट हो गया। मैं आपको रिसेप्शन एरिया दिखाती हूँ। एंड दिस इज द न्यू रिसेप्शन एरिया। हेलो, कैसे हो आप? मुझे एक रूम चाहिए, हट वाला मिल जाएगा। कितने में सोल्व कर रहे हो आप? आज तो ऐसे भी हमारी प्रॉपर्टी खाली हुई, मंडे है। नहीं मैं चलो सोल कभी खाली नहीं होता। साहिल, आप मैंने सुना नए मैनेजर अपॉइंट हुए हो। कितने टाइम पहले आप मैनेजर अपॉइंट हुए हो? 1 ईयर हो गया। एक साल हो गया आपको? सो ये जो है ये डोमेट्री है, जिसमें सेम डोमेट्री है जो मैंने आपको कल अपनी वाली दिखाई थी। बट ये 5, मतलब स्टार्टिंग से इसमें 5 बेड्स हैं। जो मेरी डोमेट्री जिसमें मैं हूँ उसमें, उस टाइम पे जब मैं शिफ्ट हुई थी, मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी, तो उसमें सिर्फ 4 बेड्स थे। सो 1, 2 और इवन ये सोफ़ा कम बेड है, 3, 4 एंड 5 विद द इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट। और सबसे अच्छी चीज़ डोमेट्री में भी हर चीज़ की फैसिलिटी है। इवन आप वाटर गर्म कर सकते हो, अपने लिए कॉफ़ी बना सकते हो और पानी भी, सॉरी पानी तो मैं बोल ही चुकी हूँ। एंड दिस इज़ द व्यू। अगर आप ऊपर से, आपको नीचे जाने का मन नहीं है और आप ऊपर से बैठ के व्यू देखना चाहते हो और काम करना चाहते हो यहाँ बैठ के, तो दिस इज़ द मार्वलस व्यू यहाँ से। अगर आपको ये पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ, दिस इज़ पार्वती वैली। तो गाइस, जो नीचे आपको दिख रहा है ये सारी ट्रॉट फिश है। और पता, ट्रॉट फिश की एक खासियत है, सिर्फ ये ना चलते हुए पानी में ज़िंदा रह सकती है। मतलब नॉर्मली पानी जब बह रहा होता है उसमें ये ज़िंदा रह सकती हैं, और इसके अलावा ये सिर्फ ठंडे पानी में ज़िंदा रह सकती हैं। पर जब मैंने लास्ट टाइम ट्रॉट फिश देखी थी ना यहाँ पे, तो वो सिर्फ इतनी इतनी सी छोटी छोटी सी, अभी बहुत बड़ी हो चुकी हैं। यह है इनका सूट रूम, जो इनका बेस्ट रूम है प्रॉपर्टी में, विद अ व्यू ऑफ पार्वती नदी। आई लव द बेड बिकॉज अगेन दिस इज इलेक्ट्रिक, मतलब इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं, ब्लैंकेट अवेलेबल है। बट इनके जो कमरे के सारे बेड्स हैं ना, वो सारे बहुत सॉफ्ट हैं। और इसके अलावा आई थिंक ये थोड़ा सा और अपग्रेड होगा विद पर्दास एंड ऑल, बिकॉज इट्स लुक लाइक द सिमिलर वन। अगर आप वैलेंटाइन भी प्लान कर रहे हो, सो यू कैन एक्चुअली प्लान हेयर, नॉट हेयर बट हेयर। दिस इज द बेस्ट रूम फॉर हनीमून। हाँ, मस्ट बी। एंड ऑल्सो द ऑल द बेसिक फैसिलिटी। बट मुझे इनका ये वाला सेट बहुत अच्छा लगा, बिकॉज दिस लुक लाइक सम काइंड ऑफ एंटीक सेट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। हम स्टार्ट करने वाले गेम विद इन 2 मिनट्स, सो मेरी रिक्वेस्ट है आज चलो कसोल के साथ जितने लोग जुड़े हैं प्लीज, जहाँ पे बॉन फायर हो रही है आप आ जाइए। अभी तो पास करो, पास करो, पास करो, पास 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 बुफे सिस्टम में लगता है, बट हम लोग बहुत लेट हैं खाने में। सो मैं आज का व्लॉग डिनर के साथ ख़त्म करती हूँ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू विद द नेक्स्ट व्लॉग।